हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनेस्ट टेक्स एंड माय नेम इज भविष्य। माय नेम इज भूमिका। और मेरा नाम है, क्या नाम है? ओ, नाम लेता है मम्मा का, इतना बड़ा हो गया। हां, मंदिर का नाम बोल रहा हूं। ओके, तो आज जो वीडियो देखने वाले हैं वो है क्या? क्या? रानीकोट। क्या है ये? स्केटर बॉय ऑफ रानीकोट। हां, पर वीडियो है किसके बारे में? रानीकोट का। पर है क्या रानीकोट? कोई जगह है, कोई घूमने की जगह है, कोई स्पेशल कोई जगह है? अच्छा, ठीक है, तो देखते हैं। मेरे को कोई आइडिया नहीं है, भाव ने वीडियो निकाला है, भाव ने ही कैमरा सामने लाके रखा है, तो देखते हैं क्या है रानीकोट। ओके, शुरू करें। हेलो जी, मेरा नाम इरफान है एंड आई गेट टू ट्रैवल अ लॉट फॉर वर्क। लेकिन ये कहानी उस बारे में है जो आई ट्रैवल फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई फ्रेंड्स। कहानी के आगे बढ़ने से पहले आपका कुछ लोगों से मिलना बहुत जरूरी है, और फटा पोस्टर निकला हीरो। और हमारे हीरो को भूख बहुत लगती है यार, हमेशा। जी भाई, उसने मिला मुझे इमरान। क्या लिखा यार? अभी स्टार्ट किया कि नहीं? तो ये मैनर्स हो जाए, साथ खाना खाते हैं। तुम अभी जंगलियों की तरह ये करो। अभी लोग कमेंट करेंगे उल्टे हाथ से नहीं खाते। Back to the story. रानीकोट कराची से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर है और जाने में 4 घंटे लगते हैं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो उन 4 घंटों का कुछ खास पता नहीं चलता। और 4 घंटे बाद आप पहुंचते हैं रानीकोट फोर्ट के सन गेट पे। फोर्ट देखते ही हम सब लोग कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए। फोर्ट हाँ भैया, गर्मी इज टेम्प्ररी, क्वालिटी कंटेंट इज परमानेंट। ऊपर नीचे नहीं देखना है, ना आगे पीछे देखना है, बस नजरें नीचे और चल चलना। भाई भाई, थक गया। गर्मी भी बहुत लग रही है, ज़्यादा नहीं दिखाओ। Now let me tell you something about traveling with friends. आप बहुत सी बेमानी, बेमकसद, बेतुकी चीजें करते हैं जिन्हें explain करना थोड़ा मुश्किल है। height पे कौन लगता है? राजपूत। But you still do them for the memories, you know. जैसे हमने पूरा fort climb कर लिया सिर्फ ये करने के लिए। चंपा! हाँ बोलो। क्या मैंने आपको बताया बचपन में दिल चाहता है हमारी फेवरेट मूवी थी? नहीं बताया, शॉर्ट से पता चल जाएगा। ऊपर जाना तो मुश्किल है, लेकिन जब नीचे आने की बारी आई तो आप खुद ही देख लें। और डलान है एकदम एकदम नीचे बनाया क्या होगा? पता नहीं है कूट का, पीली का पता नहीं है, क्यों कूट मारूं, ठगी करूं, है सही है ना? हाँ, ये दादी का पता है, 5,000 साल। रात को परी आती है? परीतड़ उधर है। उधर है? हाँ, सामने कहाँ है? दुकान है परीतड़। हर हर नहीं, परीतड़ नहीं, परी परी लड़की, लड़की कौन है? परीतड़ है।
बाबा पे स्माइल आ गई सालों बाद वापस। आपको थोड़ा टाइम लगता है ये समझने में कि आप जितने भी अमीर पावरफुल मशहूर हो जाएं, कुछ साल बाद सिर्फ आपके अपने ही आपको याद रखेंगे, वो भी इफ यू आर लकी। और इतनी गहराई के बाद वी अनपैक सेट अप आवर कैंप्स, और बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उससे बेहतर नींद महीनों में नहीं आई। सुबह के तकरीबन 6:30 बज रहे हैं, हम लोग अभी ट्रैक के लिए निकल रहे हैं परियों जो तर के लिए। अगली सुबह 1 घंटे की ट्रैक करके हम परियों जो तर देखने गए। अनफॉर्चुनेटली हमें वहाँ पे कोई परियाँ नहीं मिली, लेकिन हमारा फ्री पेडिक्योर हो गया, सो दैट्स समथिंग। दरिया किनारे बैठे हैं 3 दोस्त, दरिया किनारे डमरू बजाते, तुमको पुकारे आ जा मेरे सोनिया। ओह, फिश मसाज करा दे। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं, अभी तुम्हारा वक्त अच्छा है, तुम्हारा उरूज है, लेकिन एक ना एक दिन तुम पे बुरा वक्त आएगा और लोग तुम्हें भूल जाएंगे, तब तुम कहाँ जाओगे? यार मैं कहाँ जाऊँगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हीं के साथ जाऊँगा जो मेरे उरूज से पहले और जवाल के बाद मेरे साथ ही रहेंगे, जिन्हें ना मेरे उरूज ने बदला और ना मेरे जवाल से उन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा, और हम सब मिल के कोई ऐसी बेतुकी सी हरकत कर रहे होंगे। तो भैया मेरा नाम इरफान है, मैं कराची से हूँ, गया था ज़रा रनीकोट की तरफ, और यहाँ पे सीन्स कुछ ऐसे हैं। और क्या मैंने आपको बताया दिल चाहता है वो ज़रा फेवरेट मूवी? आज नहीं आऊंगा सुनना, आज मम्मी परमिशन नहीं देनी यार, कल पेपर है मेरा, कल पेपर है, मैं रात में कॉल करूंगा तेरे। ओके, तो ये था रानी कोट ना, काफी रानी रानी कोट बोलेंगे, हाँ रानी रानी एक ही है, वो रानी बोलेंगे ना, रानी कोट तो नहीं बोले, रानी कोट ही बोलेंगे, राजा रानी, रानी से तो कोई मतलब निकल नहीं रहा है ना। अरे चुकंदर। तो काफी मतलब किला है, किला बंदी कर रखी है, और काफी ऊंची दीवार है पहाड़ के ऊपर नीचे है ना, ऐसी दीवार हमारे इधर भी है कुंभलगढ़ में, वो 36 किलोमीटर है, और वो दीवार काफ़ी चौड़ी है, 5-6 घोड़े एक साथ उस पर चल सकते हैं, इतनी चौड़ी है वो, और कहाँ पुराने टाइम में बनी हुई है, आपने देखा हो, नाम सुना हो तो। बाकी जगह काफ़ी खूबसूरत है,
जैसे कि मतलब पूरा एक तरह से डेजर्ट है ना, और उसके सामने मतलब खुली जगह है एकदम ओपन। तो रानीकोट बाहू तो जाके आ गया था, क्योंकि तो ये तो मंगल ग्रह पे रहती है, मार्स पे रहती है, तो इसको यहाँ यहाँ कोई लेना देना नहीं है इसका। तो बात करता हूँ मेरी पर्टिकुलर ये जो जगह थी इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कुछ थोड़ा डालना कि इसने बनाया था, क्यों बनाया था, सिक्योरिटी रीज़न ये तो हमें पता ही है, क्योंकि जब भी ऐसी कोई कोर्ट वोट बनती थी ऐसा कुछ होता था तो ये तो उसी वजह से बनता था। जो पहले जो भी घराने थे, शाही घराने थे, वो अपनी एक रियासत बनाते थे, अपने महल बनाते थे और चारों तरफ ऐसी कोर्ट बनाते थे, और फिर हमले नहीं हो तो ऐसी सबको पता ही है नॉर्मल। बनाया किसने था, कब बना था और हिस्ट्री क्या है इसकी, फर्स्ट थिंग तो ये आप हम प्लीज़ बताना टू इंक्रीज माय नॉलेज। इनको तो सब पता ही है इसलिए। और बाकी ये जो पानी था उसके पास में, ये पानी नेचुरल है, ये कहीं से आ रहा है क्योंकि इतना डेजर्ट है, तो क्या है समथिंग? तो ये मेरे दो क्वेश्चन है, तो इसके आप जवाब दे देना। बाकी इन्होंने जिस तरह से ये जो वीडियो बनाते हैं, इनके सब्सक्राइबर मेरे साथ में बैठे हुए हैं, तो इनके वीडियो वाकई में काफ़ी अच्छे हैं। ये अपनी मतलब बातों में और अपने वीडियो में वो एक महसूस नहीं होता है कि हमने 8.5 मिनट का वीडियो देख लिया है ना। तो ये इनकी खासियत है, इसलिए लोग पसंद भी करते हैं। तो बिल्कुल आइए और आगे बढ़े। और बाकी अब इनसे पूछ लेता हूँ मैं, चिंकी से। हाँ चिंकी तो मार्स पे रहती है, बता नहीं, लेकिन बता ना, देखा तो है ना, मार्स पे रहती तो है। हाँ हाँ बोल चुकंदर, चुकंदर के भाऊ वो खड़ी चढ़ाई थी एकदम। अच्छा खड़ी चढ़ाई थी, और उनका क्या काफी, और वो हंसी मजाक कर रहे थे। हाँ। क्या नाम था, हमजा। कॉमिक टाइमिंग होनी चाहिए। हाँ। ना एक ह्यूमर होता है ऐसा, तो उससे लोगों को हंसाना भी एक आर्ट होता है। हाँ और काफी अच्छा था वीडियो, इनके बोलने का तरीका। क्या सीखा तुमने इस वीडियो से? उल्टे हाथ से खाना। ओके फ्रेंड्स, तो जगह काफी अच्छी लगी हमें। तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो जो बिल्कुल अनजान है, हम मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसी कोई जगह है पाकिस्तान में, हमने देखा पर्टिकुलर एक ब्लॉगिंग में इस तरह का वीडियो देखा, तो काफ़ी मतलब एक अच्छा लगा कि ऐसी जगह है जहाँ पे हम तो क्या जाएं, पर आप प्लीज़ ऐसी जगहों को डेवलप कीजिए पाकिस्तान में फॉर टूरिज्म पर्पस, ताकि लोग आए और जो बाबा है ना वो बोलो परी परी, तो एक्चुअली में बाहर की परियाँ आए वहाँ पे और लोग घूमें और ऐसी तारीखी जगह देखें, ऐसी मेरे भी अरमान है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलो 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 वाइंड अप करें। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और भी कोई न्यू वीडियो हो मेरी इंस्टा आईडी पे आप सेंड कर लेना। ओके बाय बाय।